जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान दे तू हुक्म तकर दावे असी दिन दे जान यारा पर तैनू जिंदगी चो ना दिन दे जान यारा कैसे हुआ ये सब? कुछ कहानियां ऐसी होती है जनाब जो सिर्फ हमारे जहन में रह जाती है, कभी लोगों के सामने नहीं आ पाती। बस ये भी एक ऐसी ही कहानी है। 5 दिन पहले 31 जुलाई 2019 मध्य प्रदेश बेस कैंप ग्वालियर। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की धड़पन है। हमारी मुलाकात ट्रेनिंग के दौरान हुई थी, फिर हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और पिछले 2 साल से हम एक ही साथ थे ग्वालियर में। ओ साहब जी, आपके लिए चिट्ठी आई है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं। ट्रांसफर लेटर आया सी होता। पोस्टिंग इन कश्मीर, मेरे को जाना होगा यार। तेरी बहुत याद आएगी यार मेरे को। चल झूठे, जन्नत है कश्मीर, उठो दिया वादियां कुड़ियां। ओए होए, मेरी राम गली मैं तुझ पे दिल जान समरता हूँ, लेकिन ये सच है तेरे हाथ में बंदूक लेके सर पे संदूक लेके जाना पड़े ओडरा पे, ड्यूटी लागे बॉर्डरा पे। दो दिन बाद 2 अगस्त 2019 कश्मीर, आर्टिकल 300 रद्द होने से 3 दिन पहले। कश्मीर पहुंचने के बाद किरशन से मेरी बात हुई थी, वो काफी खुश था, बोल रहा था कि वहां का मौसम बहुत अच्छा है। उसकी पोस्टिंग वहां के एक छोटे से गांव में हुई थी। अगले रोज शाम को मेरी किरशन से फिर बात हुई थी। मुझे उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। दर्द इसलिए क्योंकि उसको चोट लगी थी, और गुस्सा इसलिए क्योंकि उसके हाथ में हथियार था, फिर भी वो लाचार था। प्यास लग रही है बहुत तेज। चलो भाई उस तरफ चल के देखते हैं, शायद पानी मिल जाए। देख बोरा पानी। हक फरमाते रहे सचदेव और सम्मान का, देश की मिट्टी और तिरंगे की शान का, उन पर पत्थरों की बारिश किए जा रहे हैं। ये नादानी नहीं है हमारी, हम इन गुस्ताखियों को नादानियों का नाम दिए जा रहे हैं। इस पत्थरबाजी की घटना के बाद जब वो हॉस्पिटल से लौट रहे थे तब Thank you.
ये फौजी कहाँ से आ गए? गाड़ी रोको, मैं लड़की को फेंक दूँ वरना सारे मारे जाएंगे। रोक गाड़ी, रोक। ठीक हो तुम? कौन थे ये लोग? मुझे नहीं पता। कहाँ लेके जा रहे थे तुम्हें? पता नहीं। चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। उस तरफ है मेरा घर। माँ, इन्होंने मुझे बचाया वरना मैं कभी लौट के नहीं आ पाती। अच्छा हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। सियासी बहकावे में आकर हम इंसानियत भूल गए हैं, इंसान से इंसान का रिश्ता भूल गए हैं। माफ तो अब अल्लाह भी नहीं करेगा हमें, ना जाने हम कितने गुनाह करके भूल गए हैं। और फिर एक दिन सर, अभी मैसेज मिला है, गांव की 3 लड़कियों को अगवा कर लिया गया है और उनकी लोकेशन हमें पता चल चुकी है। चलो तो सारी टीम को अलर्ट करो। टारगेट फिक्स है, धारा 300 हटाने के लिए एक अहम मीटिंग होने वाली है और हम उस पूरी बिल्डिंग को उड़ा देंगे। थोड़ी देर में हैदर भाई भी यहाँ आने वाले हैं। इंशाअल्लाह। आमीन। हमें पता करना होगा इनका कल का टारगेट क्या है और किस बिल्डिंग को उड़ाने वाले। मैं ऐसा करता हूँ, अपने आप को इनके हवाले कर देता हूँ, तब तक तुम लड़कियों को सेफ। अरे ये तो वही फौजी है जिसने लड़की को उस दिन हमसे बचाया था। तो ये सारा प्लान इसी का है, अब जब यहाँ आ गए हैं तो कुछ बड़ा करके जाएंगे। छोड़ो इसे, तो तुम आए हो यहाँ उन लड़कियों को छुड़ाने। लेकर आओ उन लड़कियों को। दाद देनी होगी तुम्हारी जरूरत की तो तुम यहाँ तक अकेले आए। जरूरत और जज्बे में बहुत बड़ा फर्क होता है जो तू कभी नहीं समझे। ये हमारे सबसे खतरनाक हथियारे हैं। एक मौका और देता हूँ तुम्हें तुम्हारी बहादुरी साबित करने का। सारा पाकिस्तान झुक जाएगा तेरे सम्मान में। इनमें से किसी एक को मार के साबित कर दे कि आज भी मर्द पैदा होते हैं हिंदुस्तान में। ये हलाली पसंद है और मुझे झटका। मिटने दूंगा ये देश नहीं मिटने।
रहे हम सजदा उसका, अब कोई तो राह दिखा दे। तेरे बनाए हुए इंसान को यहाँ इंसान से पहले उसका मजहब दिखता है, पर इन्हें किस मिट्टी से बनाया है? बेखौफ खड़े हैं मौत से लड़कर, इनके सिवा यहाँ हर किसी का जमीर बिकता है। जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारा